हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रिचुअल। आज तो बात करने वाले हैं रोजगार मेला, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इसमें एक बार ये नया है कुछ, इसमें कुछ नई कंपनी आने वाली है। इसमें 15,000 से ज्यादा कंपनी आने वाली है, और इसमें साथ साथ आपको नियुक्ति पत्र होगा, यानी ऑफर लेटर, वो भी हाथों हाथ दिया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं आज नई वीडियो। तो ये हमारे नए उत्तर प्रदेश, यानी कि नए उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर, और इसमें हमारा प्रथम रोजगार मेला होने वाला है। और ये जो मेला होने वाला है अलीगढ़, मिर्जापुर और मुरादाबाद, और डेट वाइज आपका लिखा हुआ, अगर आप यहाँ से ब्लॉग करते हैं तो प्लीज अपने शहर में अपने रोजगार मेला में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो फिर बात करते हैं हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है हमारे यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग इसमें जो कंपनी आ रही है वो क्या रहने वाली है, और इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो इस तरह की इनकी वेबसाइट है जिसमें दिखाया गया है अपना इनका रोजगार मेले के बारे में, और इसमें कुछ कंपनी वगैरह दिया गया, और इसके स्किल के अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो भी आपके पास स्किल है, सर्टिफिकेशन है, और आपके पास अगर आप डिप्लोमा है या आईटीआई है या एज ए ग्रेजुएशन पास है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो एंड रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ये हमारा इसमें कुछ पोर्टल दिए गए जिसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का है, और इसमें कैसे जो स्किल वगैरह है इसमें सबसे पहले प्रश्न करना है, उसके बाद ट्रेनिंग असेसमेंट एंड प्लेसमेंट है। तो ये हमारा जो रोजगार मेला रहने वाला है, इसमें ये हमारा यूपी में होने वाला, यानी कि अलीगढ़, मुरादाबाद और प्रयागराज में होने वाला। और डेट वाइज मैंने आपको दिखाया था कि कब कब ये होने वाला है। तो चलिए जल्द से बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। इस तरह से आपके पास आएगा ब्रत रोजगार मिला रजिस्ट्रेशन, और इसमें सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड देना है, उसके बाद ओटीपी जनरेट हो जाएगा। ओटीपी देना है, उसके बाद अपना फोटो इसमें अपलोड करना है, अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ एंड आप उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह से आपका जो एड्रेस यहाँ देना है, इसके बाद स्थायी पता ना, इसके बाद यहाँ पर लिखा है ना एजुकेशन वगैरह के बारे में देना है। और इसमें जो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें ले सकते हैं, अदरवाइज ना। और इसमें अपने सेक्टर चुन सकते हैं, आपका ऑफिस में अपना कोर्स किया हुआ है, और इसका अनुभव लिख सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। इसके बाद आप सेक्टर दे सकते हो, आपके जो आप जिस में नौकरी करना चाहते हैं, यानी कि आप अपना जॉब लेना चाहते हैं, किस सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो है यहाँ पर अपना सेक्टर चूज कर सकते हो। देन क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में, तो उसका दूसरा फॉर्म है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टार्टिंग में। तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहने वाला है कि हमें पर्सनल डिटेल देंगे, परमानेंट एड्रेस देना है, इसके बाद अपना हाइस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि हाइएस्ट में अपना डीपी बोर्ड 10th एंड 12th ट्रेनिंग स्कूल, यानी कि अपना ट्रेनिंग किया, यानी आईटीआई कोपा, या फिर कोई डिप्लोमा किया, एडवांस डिप्लोमा किया है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कंपनी का वहाँ भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इम्प्लॉयमेंट, अगर आप मतलब कि ना इम्प्लॉयमेंट यानी कि आप किस में अपना जॉब करना चाहते हो, किस फील्ड में अपना जॉब करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। एंड प्लेस, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में अपना जॉब लेना चाहते हैं, यूपी में कहीं भी आप जॉब करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो उसके ऑप्शन को। इसके बाद हम बात करते हैं कि रोजगार मिला आपको, मतलब इसमें अलीगढ़ में होने वाला है, मिर्जापुर एंड मुरादाबाद एंड प्रयागराज, चार जगह ये होने वाला है। तो अलीगढ़ में 28 तो हो गया है, अब वहाँ बचा है हमारा मुरादाबाद, मुरादाबाद एंड प्रयागराज। तो इसके डेट अकॉर्डिंग अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।